कि आपने इंडिया का झंडा क्यों लहराया। तो देखें, इंडिया पाकिस्तान मेरा मुल्क ना ही कभी था ना ही मेरा क्या। देखें, मैं तो पाकिस्तान को कंट्री नहीं समझता, ये एक सीधी सी बात है। इसके अंदर मैं कोई नफरत वाली बात नहीं कर रहा, ये एक रियलिटी है जो हमें माननी चाहिए। पाकिस्तान इसलिए बना था कि भाई लोगों को ब्रेन वॉश करके। पाकिस्तान देखें, मुसलमान इंडिया में खुश थे, खुश हैं और खुश रहेंगे। इंडिया के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं, वो हमेशा खुश रहेंगे इंडिया के अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई पाकिस्तान जो मुसलमानों के लिए बना था, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान बना था जाहिलों के लिए। मैं आज एक बात बोलूँ, पाकिस्तान बना था जाहिलों के लिए, पाकिस्तान बना था गवार लोगों के लिए, उनके लिए पाकिस्तान बना था जो कि चले गए वहां पर। इंडिया था, इंडिया एक हिंदू के लिए भी है, इंडिया एक मुसलमान के लिए भी है, इंडिया एक क्रिश्चियन के लिए भी है। इन शॉर्ट, अगर आप इंसान हो, अच्छे इंसान हो, आप इंडिया में रह सकते हो। दैट्स द आंसर। बिल्कुल सही श्यान, आपने कहा है कि पाकिस्तान बना था जाहिलों के लिए, लेकिन यहाँ से तो बहुत पढ़ा लिखा तबका निकल के चला गया है। बिल्कुल, जो गलती आप से उस पढ़े लिखे लोगों के बारे में क्या कहेंगे, जहालत किस नाम को आप दे रहे हैं? जो लोग गलती से पैदा हो गए पाकिस्तान के अंदर, वो बिल्कुल उनको रियलाइज, देखिए गलती करो, रियलाइज करो उस चीज को। पाकिस्तान में देखिए, मैंने गलती करी, मैंने उस चीज को रियलाइज किया, मैं उससे मूव ऑन हुआ, पाकिस्तान छोड़ा और उसको मैंने बताया कि पाकिस्तान क्या क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। मैंने ये बताया, गलती कर कर अगर आप सुधर जाते हो, कहते हैं ना, अगर आप सुबह का भूला शाम में घर आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो यही बात है, अगर कोई गलती अपनी सुधार रहे, दैट्स गुड। लेकिन जिसको पता है वो गलती है और वो बार बार वो गलती करेगा, तो आई थिंक उसका तो कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल सही शेयर। बहुत पूछा जाने वाला एक सवाल है जो कि आपके लिए हमेशा मेरे इंस्टा वगैरह में आता है, वो ये है कि आपको किस मतलब, एक होता है ना कि आपको किसी ने गाइड किया कि यार ये करो, आपको उस चीज के बारे में बताया और बताने के बाद आपने उस पर रिसर्च शुरू की, जैसे मतलब इस्लाम फैला या जो भी जैसे हुआ, तो मतलब आपको किस किन लोगों ने या किन बंदों ने या किन कम्युनिटी ने आपको गाइड किया, ये सारा प्रोसेस क्या था जिसकी वजह से आपको कृष्णा पसंद आने लग गया या सनातन पसंद आने लग गया? देखें, ये जो भी हुआ वो कृष्णा की मर्जी से हुआ, और आपने कहा कौन था इसके पीछे, तो इसके पीछे सिर्फ कृष्णा था। वैसे अगर आप देखें, कृष्णा जो है वो अलग अलग ह्यूमन फॉर्म में आते हैं। सो देयर वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी इंट्रोड्यूस मी विद इस्कॉन, फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी इंट्रोड्यूस मी विद इस्कॉन। पहले तो मैं सिर्फ जो है इस्कॉन ऐसे ही जाता था, क्योंकि मेरे दोस्त वहां पर जाते थे, ऑल माई फ्रेंड यूज टू गो देयर, सो मैं भी उनके साथ संडे को ऐसे ही चला जाता था। बट देन आई रियलाइज कि कृष्णा मुझे वहां पर इन्वाइट करते थे, मैं खुद नहीं जाता था। मुझे ये बात बाद में जाकर रियलाइज हुई कि मुझे तो कृष्णा इनवाइट करता था वहां पर जाने के लिए। सो जब ये मुझे रियलाइज हुई, आई थिंक मुझे 6-7 महीने लगे ये चीज रियलाइज होने में। और फिर जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी जो मेमोरी थी वो मैंने घुमाई पीछे, तो फिर मुझे पता चला यार मैं तो कृष्णा के साथ पहले से इन्वॉल्व था। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पहले नहीं पता था कृष्णा इज अ गॉड। जब मैं एक छोटा बच्चा था, मैं पोगो पर कृष्णा कार्टून आते थे, आपको ही पता होगा, तो कृष्णा कार्टून आते थे, मैं उसको सिर्फ एक कार्टून समझता था। मुझे नहीं पता था कृष्णा इज एन एक्चुअल गॉड, मुझे नहीं पता था कृष्णा एक भगवान है, पहले मुझे नहीं पता था। बट जब मैं इस्कॉन जाना शुरू हुआ, मुझे इस बारे में पता चला, फिर मुझे पता चला कि यार ये इस कार्टून के पीछे तो मैं इतना पागल था, और अब मुझे देखो वहीं पर मुझे कुदरत जो है या कर्मा बोल रहे, वो मुझे वापस वहीं पर ले आया। तो ये बहुत एक मेरे लिए शॉकिंग चीज थी। श्यान, बेशक किसी के भी जो है आप धर्म को, किसी के भी रिलीजन को आप गलत या बुरा नहीं कह सकते, चाहे वो हिंदू है, चाहे ईसाई है, क्रिश्चियन, जो भी है, व्हाटएवर। बट अगर हम देखें तो हमारा एक ईमान है कि अल्लाह एक है, वाहिद है, और वो ही सबको बनाने वाला, पैदा करने वाला है। तो इस चीज को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? आपने कहा कृष्णा भी एक भगवान है, मतलब कृष्णा के बारे में कुछ आपने बताया, तो इस चीज को किस तरह देखते हो आप? देखें अनम, भगवान अल्लाह गॉड जीसस सिर्फ एक है पूरी दुनिया में। हम लोगों ने उनको डिवाइड करा हुआ है, हम लोग कोई उनको अल्लाह बोलते हैं, कोई कृष्णा बोलते हैं, कोई उनको जो है वो जीसस बोलते हैं, अलग अलग नाम है, लेकिन भगवान गॉड जो है वो सिर्फ एक ही। और देखें दिस इज द ब्यूटी, हम ये नहीं बोलेंगे क्या डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए रिलीजन, चाहे कोई भी रिलीजन, रिलीजन इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप देखें, देखें हर रिलीजन अपने साथ एक कल्चर लाता है, इस्लामिक कल्चर एक अलग है, हिंदुइज्म कल्चर एक अलग है, क्रिश्चियनिटी कल्चर एक अलग है। तो मैं इसी वजह से बोलता हूँ कि हम सबको चाहिए कि हम ना कि एक दूसरे के रिलीजन को टारगेट करें, एक दूसरे के कल्चर्स को टारगेट करें। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के रिलीजन और कल्चर को जाके एक्सप्लोर करें, हम देखें कि यार दूसरे के रिलीजन में क्या चीज अच्छा है जो हम ले सकते हैं।
इस्लाम में क्या चीज अच्छा है जो हम ले सकते हैं, हिंदुइज्म में क्या चीज अच्छा है जो हम ले सकते हैं, सिखिज्म में क्या चीज अच्छा है जो हम ले सकते हैं, हमें ये देखना चाहिए, ना कि यार ये इसका रिलीजन ऐसा है, ये मुसलमान है हम इससे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू है हम इसके घर खाना खाने नहीं जाएंगे। ये चीजों से आई थिंक हमें अब बाहर निकलना चाहिए। 2023 चल रहा है तो हमें चाहिए इस चीजों से बाहर निकले। श्यान बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं कुछ सहमत हूँ, कुछ एग्री करती हूँ, बट अगर हम देखें तो इस्लाम ने हमें सिखाया, क्योंकि हम इस्लाम को मानने वाले हैं, मैंने हिंदुइज्म को नहीं पढ़ा, मैंने दूसरे रिलीजन को नहीं पढ़ा, इस्लाम को पढ़ा है, तो जहाँ तक मैं इस्लाम को जानती हूँ, इस्लाम ने हमें सिखाया कि बुत परस्ती जो है वो एक गुनाह हराम है, बुत परस्ती नहीं करनी चाहिए, तो बुतों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बट एक चीज मैं एग्री करती हूँ, हमारे कुरान के अंदर भी, सूरह बकरा के अंदर भी मौजूद है, सूरह बता सकती हूँ आपको कि उस पर लिखा हुआ है तर्जुमे के साथ कि अल्लाह वाहिद है, हम उसे पूजेंगे, हम उसकी इबादत पूजेंगे, हम उसकी इबादत करेंगे, मतलब दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं। बट यहाँ पर ये भी जिक्र है कि बुत परस्ती को गुनाह है और अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं कर सकते, हाथ की बनाई मूर्तियों की हम किस तरह इबादत कर सकते हैं, तो इस चीज को किस तरह डिफाइन करोगे आप? देखें, हर रिलीजन के अलग अलग कल्चर होते हैं। जैसे क्रिश्चियंस मानते हैं कि जो है जीसस जो है वो मर गए, वो वापस नहीं आएंगे, मुसलमान बोलते हैं कि वापस आएंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यार हम एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं, यार तुम जीसस को मानते हो तुम नहीं मानते हम तुम्हें मार देंगे। ये देखिए जाहिलों वाली बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां पर आपने कहा कि देखिए बुत परस्ती की बात, हर रिलीजन का एक अलग होता है। इस्लाम अगर ये चीज बिलीव करता है दैट्स गुड, इस्लाम अगर ये चाहता है कि भाई हम मस्जिद जाकर वो करें दैट्स गुड। देखिए इस्लाम मुस्लिम्स भी दुनिया में कम नहीं है, आई थिंक दूसरा बड़ा रिलीजन है इस्लाम, कोई लोग पागल तो नहीं है कि इस्लाम में वो हो रहा है, ऐसी बात इस्लाम के अंदर भी अच्छी बातें हैं और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। फॉर मी पर्सनली मुझे एक कनेक्शन फील हुआ हिंदुइज्म के साथ, तो मैं इस वजह से मैंने अपनी जो भी अब मेरी जो मेरी बची हुई जिंदगी मैंने अपनी डेडिकेट करी हिंदुइज्म, क्योंकि मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लगे। अगर कोई बंदा उठकर, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई हिंदू भाई उठकर अगर वो मुसलमान बनना चाहता है, अपनी खुशी से बन रहा है, अंटिल उसको इसको फोर्स नहीं कर रहा, वो अपनी खुशी से मुसलमान बनना चाह रहा है, उसको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इस्लाम में दिख रहा है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उसको बिल्कुल चाहिए वो मुस्लिम बने, मैं उसको बल्कि सपोर्ट करूंगा उसको अगर मेरा कोई दोस्त ऐसा बोलता है। बिल्कुल, इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि जो भी धर्म हो, जो भी आपका अल्लाह से मतलब भगवान से जो भी नाम दे सकते हैं हम, उससे आपका साथी मांगो। और इवन राइट नाउ देखें, इवन राइट नाउ अभी ईद हुई थी, आई थिंक यहाँ पर हमने स्पेशली मेरे घर पर, मैंने अपने घर पर ईद मनाई थी, तो ये देखें फेस्टिवल, आई एम अ फेस्टिवल पर्सन, मैं अभी हैलोवीन आ रही है मैं वो भी सेलिब्रेट करूंगा, होली दिवाली करता हूँ मैं, ईद आई थी उस पर करूंगा, अभी 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स ने मुझे ऑलरेडी इन्वाइट किया हुआ है वहाँ पर डिनर पर। तो देखें ये चीजें होती हैं कि आप, अब देखें कुछ लोग होते हैं कि यार नहीं नहीं ये मुसलमान का फेस्टिवल है हम तो हिंदू हैं हम क्यों जाएं, ये हिंदू का फेस्टिवल है मुसलमान है, ये क्रिश्चियन का फेस्टिवल है हम नहीं जाएंगे। देखिए इस तरह की चीजों से हमें अब निकलना चाहिए, और ये इस वक्त है स्पेशली साउथ एशिया, मैं यूनाइटेड नेशंस का साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इस वक्त ये जरूरत है कि हम ऑल जितने भी साउथ एशियंस हैं, जितने भी चाहे वो जिस भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हो, उन सबको चाहिए कि वो मिलकर करें, ये नहीं कि यार तुम मेरे दुश्मन हो, तुम्हारा ये रिलीजन है तुम मेरे दुश्मन हो, ये आई थिंक ये बहुत गलत बात होती है। बिल्कुल एग्री करती हूँ। अच्छा श्यान मुझे बताइएगा, इस्लाम में पहले आप थे, क्योंकि इंसान जो है वो अपने दीन से रिप्रेजेंट होता है खुद की जात को, अब इस्लाम में पहले आप थे तो आपने अपने अंदर क्या चेंजिंग्स देखी, क्योंकि ऑब्वियसली आप नमाज भी पढ़ते होगे, कुरान की भी तलावत करते होगे, कुरान भी आपने पढ़ा होगा, और अपने अंदर इंसान देखता है कि यार ये बदलाव आया इस्लाम को मतलब छोड़ने के बाद, आपने क्या चीजें अपने अंदर बदलाव में देखी, स्नातन के अंदर आपने अपने अंदर क्या चीजें बदलाव में देखी? देखिए बदलाव तो ऐसा मेरा कोई खास मैं नहीं बोलूंगा, हाँ ये बोलूंगा कि मैं ना बहुत मेरा क्योंकि देखिए मैंने तो आई थिंक मैं तो ऑफकोर्स पाकिस्तान में था, मैं कोई इतना तो बुढ़ा तो नहीं था कि मैं कोई जो पूरी तरह रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, ऑफकोर्स मैं ईद मनाता था पाकिस्तान में, लेकिन मैं इतना कोई इतना इस्लाम से इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन ये बात है कि मैंने जब अपनी सोल असल में देखें, क्योंकि मैंने जब होश संभाला जब मैं आई थिंक 18 साल का, बिल्कुल उससे पहले मैं आई थिंक जब मैं 18 साल से हुआ था उससे पहले से मैं इस्कॉन ज्वाइन कर चुका था, कुछ लोगों को नहीं पता मैं कृष्णा की वीडियो सीरीज से पहले से देखता था, तो मैं तो जब से मैंने आई थिंक 18 साल में लोग बालिग होते तो मैं तो उससे पहले से कृष्णा के साथ इन्वॉल्व था। तो आपने कहा चेंज की बात करी आपने, तो आई थिंक जो चेंज सबसे बड़ा हुआ कृष्णा के पास जाने के बाद वो एक मेंटल पीस था मेरा ना, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता ये बात मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ, हालांकि मेरी जो एक मेंटल कंडीशन थी वो 2019-20 में बहुत खराब हो चुकी, लाइक इतनी खराब थी कि मैं ऑलमोस्ट सुसाइड करने वाला था, इतनी खराब थी।
तो उस वक्त ही, क्योंकि पता है ना, देखें अगर भगवान को आपसे कुछ काम होता है, कुछ लेना चाहते हैं भगवान आपको, तो वो आप अपनी तरफ बुला लेते हैं। उस वक्त आई थिंक मेरा कुछ काम रहता था भगवान को, इसी बस उन्होंने मुझे बचा लिया, और इसी यही रीजन था आई थिंक कि मैं कृष्णा के साथ वापस से एक बार जुड़ गया। बिल्कुल सही शियान, जब आपने अपना धर्म छोड़ा, अपना रिलीजियस छोड़ा, तो क्या आपको डिफिकल्टीज आई? पाकिस्तान में होता है हम, ये चीज जो है सिर्फ पाकिस्तान में होती है। आपको मैं बताऊं, इंडिया के मुसलमानों ने मुझे इतनी सपोर्ट करी, आई थिंक किसी और ने नहीं करी होगी। मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान के अंदर वो मुसलमान नहीं है ना, मैं आपको पहले भी बात बताई थी, पाकिस्तान के अंदर ये लोग मुसलमान नहीं है, ये लोग, इनका धर्म है पैसा, इनको पैसा दो, इनके घरों में आटा डलवाओ, ये कोई मजहब के नहीं होंगे, ये ऐसे लोग हैं पाकिस्तानी। असल इस्लाम आपने देखना है सऊदी अरेबिया जाए, इंडिया चलो जाओ यार, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में हैं, और पेट्रियोटिक है, ये बात नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेटर का मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बोला था कि जी इंडियन मुसलमान तो हमारी टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये बोल रहा था वो, इनको पता नहीं किस ख्वाबों में लोग रहते हैं। और आई थिंक मुझे, मैं वापस उसी बात पर आऊंगा, मुझे जितना इंडियन मुसलमानों ने सपोर्ट करा है किसी ने नहीं किया ना, मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी चीज को देखने के बाद आपने क्या फील किया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों और पाकिस्तानी मुसलमानों, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव बात जाता है, एजुकेशन सिस्टम, अनम एजुकेशन सिस्टम इसमें बात है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ये गलत चीजें पढ़ाता है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इनको गज़वा हिंद जैसी चीजें पढ़ाता है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इनको सिखाता है कि भारतीय तुम्हारे दुश्मन है, ये चीजें पढ़ाएगा तो देखें नफरत तो आएगी, चाहे किसी भी तरह से हम नफरत फैलाएं, नफरत तो पाकिस्तानियों के अंदर एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही आई है। इंडिया के मुसलमान इसलिए आगे बढ़े क्योंकि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान जैसा एजुकेशन सिस्टम वहां पर नहीं था, इस वजह से इंडिया के मुसलमान आगे बढ़े। और इसी वजह से देखें आप, कतर एक इस्लामिक कंट्री ने फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करा, इस्लामिक कंट्री ने, इसका मतलब प्रॉब्लम इस्लाम में नहीं है, प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, सबसे बड़ी बात ये। और तारिक फतेह साहब भी यही बोलते थे कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है इस्लाम में। देखें आई कॉल माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ तारिक फतेह, मैं हमेशा बोलता हूँ तारिक फतेह एक ऐसे हीरे थे, आई थिंक वो हम उनको हमेशा मिस करेंगे, आई थिंक हमें वो बहुत, मैं खुद ये समझता हूँ कि मुझे उनसे और भी बहुत कुछ सीखना था, बट ऑफकोर्स। और मुझे एक और, मैं सॉरी टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, लेकिन ये बात मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा क्योंकि आई वॉज इन्वाइटेड टू हिज फ्यूनरल तारिक फतेह का, लेकिन उस वक्त मैं इतना बीमार हो गया था कि मैं कैनेडा नहीं जा सका, वो भी ऑफकोर्स मेरे ऊपर रिग्रेट रहेगा। लेकिन तारिक फतेह जी एक ऐसे थे जो आई थिंक हमेशा मुझे गिल्ट रहेगा, और वही हमेशा एक बात बोलते थे कि इस्लाम के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने इस्लाम की गलत इमेज पोर्ट्रे करी है। अगर आपको इस्लाम की सही देखना है आप इंडिया जाओ, पाकिस्तानी, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां पर इस्लाम हिंदुइज्म कोई नहीं, ये लोग सिर्फ पैसों के होते, जहालत है वहां पर और कुछ नहीं। बिल्कुल सही, आई एग्री के इस्लाम के अंदर कोई खराबी नहीं, कोई बुराई नहीं, बल्कि हमारे रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो इस्लाम को बदल गया है, और उसकी वजह से हम लोग अपने अपने तौर पर, मतलब ये कहते हैं ना कि मिजाजी खुदा, वो अदनाउज बिना हम बन चुके हुए हैं कि अपना जो एक रोब है, दबदबा है, वो हम अपने ही दुनिया के अंदर दिखाना चाहते हैं। वो एक लाइन मशहूर है ना कि रियासत तो माँ होती है और माँ क्या बनती है। बिल्कुल आपने कहा ना जो अपने अंदर खुदा बन जाते हैं, मैं आपको अभी की, मैं बिल्कुल आपको 2 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ। मेरी एक दोस्त है वो कराची से आई यहाँ पर अमेरिका, वो मुझे बता रही थी कि पाकिस्तान के अंदर लोग इस तरह के मजादी खुदा बने हुए कि यार एक लड़की को वो लोग बता रहे थे कि तुम्हें ये नहीं पहनना, ये पहनना है। भाई तुम होते कौन हो, सबसे पहली बात तुम कोई खुदा हो जो इस तरह से बातें करते हो? ये लोग स्पेशली जो लड़कियों के साथ पाकिस्तान में होते हैं कि नहीं तुम ये नहीं पहनोगे, तुम ये पहनोगे, तो ये लोग अपने आप को खुदा समझते हैं, ये लोग बड़े ही कोई, इन्हीं को सब पता है बाकी तो कुछ नहीं है। और इस्लाम ये भी बोलते, इस्लाम ये नहीं बोलते सिर्फ लड़की पर्दा करे, इस्लाम बोलते हैं तुम भी पर्दा करो, तुम अपनी निगाहें नीचे रखो, तुम लड़कियों को ना छेड़ो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप जाएं आधे से ज्यादा लड़के जो है वो लड़कियां छेड़ते हैं वहां पे, ये बात हकीकत है। आई एग्री, ना सिर्फ औरतें मर्द, बल्कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हालात इस टाइम शियान आप सोच नहीं सकते बने हुए हैं, ऐसे ऐसे घर तबाह हो रहे हैं, रो रहे हैं, सिर्फ क्या है रियासत, सियासत और इन सब चीजों की वजह से है। लेकिन खैर, आप सोशल मीडिया तो देखते होगे, आपको बखूबी पता होगा, पूरी दुनिया देख रही है इस टाइम, लेकिन फिर भी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह जो है वो हालात बेहतर कर दे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। शियान, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ मेरे सारे सख्त सवालों के जवाब दिए, क्योंकि आज का मेरा सेशन ही इसी बेस पे था कि क्या वजह आई जो आपने